आशा जी बताइए अपने पसंदीदा स्टॉक। चलिए आशीष जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन किरण जी को स्टॉक कौन सा पसंद है, छोटी से मध्यम अवधि के नजरिए से, थोड़े पोजिशनल पर्सपेक्टिव से वो जान लेते हैं। किरण जी बताइए। एक काउंटर है जो आईटीसी, जो कि बाय करके चलना चाहिए, काफी अच्छी फॉल आ गई है और एंड ऑफ डे कैंडलस्टिक पे आज एक आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि जो 260-265 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एंड ऑफ डे चार्ट पे, तो कुल मिला के एक अच्छा बाय बनता है, वैल्यू बाइंग देखने को मिलेगी। आपको स्टॉप लॉस रखना है रिसेंट क्लोज के नीचे, यानी 260 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर आप महीने दो महीने का व्यू लेते हैं तो 290 से 300 के लेवल्स वापस एक बार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आईटीसी है किरण जी को पसंद, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, अभी 3.25% कर रहा है कारोबार। लेकिन कुणाल जी, राकेश जी को भी एक स्टॉक पसंद है निवेश के हिसाब से, कौन सा ये शेयर, रुक करेंगे एक बार फिर से 10 की कमाई का। बताइए दिवाली जी, स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट मार्केट डी मार्ट, बेहतरीन ये तो वो है बाजार का शेंच है, बाजार का शेंच है, कल ही था, कितना बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे नहीं 12 बजे, सॉरी 12 बजे, बाजार के बच्चन। बताइए सर। अनिल जी, मुझे लगता है 1090 से लेकर 1100 के अराउंड इसका एक काफी बड़ा बेस है, इन स्तरों पर और डिक्लाइंस पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, लंबी अवधि का थोड़ा नजरिया बनाना चाहिए। जैसे आपने बोला कि बाजार का शहंशाह है, तो डेफिनेटली एक बाइंग का कैंडिडेट है, इसको बाय एंड होल्ड करें एक अच्छी कंपाउंडिंग के लिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, ये मेरे अपने निजी निवेश में शामिल है और एवेन्यू सुपरमार्ट बेहतरीन काउंटर है, इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। इसमें बड़ा करेक्शन आ गया, 1650 रुपये का इसने हाई लगाया, वहां से घट करके 1250 तक रह गया और अब इसमें दोबारा से एक बेस बन रहा है और मुझे लगता है कि इसमें एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इसको खरीद के रखने का। इसको लंबी अवधि तक अगर रखते हैं, मध्यम अवधि तक रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वापस से अपने हाईस को रिगेन करेगा और उसके ऊपर जाने की भी क्षमता इसमें दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि इसमें साल डेढ़ साल में आपको 2000 के लेवल्स